है hey गाइस स्वागत है आप सबका तो चलिए आज बनाते हैं ब्रेड से कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी तो मैंने यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस ली है और ना एक कटोरी ले लीजिए आप कोई सा भी कटर ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए और उससे इस तरीके से हम उसको कट कर लेंगे तो इस तरीके से सारे ब्रेड्स को हम कट कर लेंगे और जो साइड के कॉर्नर्स हैं ना इनको आप बाकी ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर सकते हैं और तब तक हम बनाते हैं एक बैटर उसके लिए लिया है, हमने चार बड़े चम्मच बेसन उसमें डाला थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार आधी छोटी चम्मच हल्दी और एक चुटकी बेकिंग पाउडर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद ना दो चम्मच दही को मैंने पानी के साथ घोल लिया था और उसको हम इसके अंदर डालेंगे और जैसे जैसे आप इसका घोल बनाएंगे ना तो आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब क्या करना है इसमें पानी डाल के इसका एक घोल रेडी कर लेंगे यानी जैसा हम ढोकला या पकौड़ी के लिए बेसन का घोल बनाते हैं वैसा लेकिन थोड़ा सा पतला बनाएंगे हम तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं इसके अंदर कोई भी लम्ब्स नहीं पड़ना चाहिए गाइस वरना जो आपकी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी और ये देखिए मैं थोड़ा सा और पानी इसके अंदर डाल दूँगी ताकि अच्छे से जो बैटर है वो हमारा मिक्स हो जाए और जब तक हम बैटर को साइड में रख रहे हैं तब तक एक बाउल लेंगे और उसमें डाल देंगे कुछ वेजीज मैंने प्याज़ टमाटर शिमला मिर्च और कॉर्न ये सारी चीज़ें डाल दी हैं आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं और रेशियो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो चीज़ पसंद है आप उसको ज़्यादा डाल दीजिए और जो चीज़ आप नहीं पसंद है आप उसको स्किप कर सकते हैं तो सारी सब्जियाँ डाल दी हमने इसके अंदर और अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा टमाटो कैचअप एक बड़ी चम्मच के करीब हमने डाल दिया है और उसके साथ ही आप थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल दीजिए अगर आपके पास सॉस नहीं है तो आप कोई सी भी चटनी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं तो मैंने ये डाल दिया और ऊपर से डाल दिया थोड़े से चिली फ्लेक्स हरी मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर और ऑरिगेनो डाल दिया मैंने एक छोटी चम्मच अब क्या करना है गाइज इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है ताकि जो सॉसेस हैं वो सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ और ये हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो गई है और अब उस घोल को देख लेते हैं जो बेसन का हमने बनाया था उसमें हम डाल देंगे यहाँ पे एक सैशे फ्रूट सॉल्ट यानी इनो और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब आप इसको मिक्स करेंगे ना आप ये देखिए इसके अंदर ना एक झाग सा आ गया बहुत फोमी सा मिक्सचर रेडी हो गया है और अब जो हमने ब्रेड स्लाइसिस लिए थे आपको उसको उसी कटोरी में डालना है जिस कटोरी से हमने उसे कट किया था या आप जिस कटोरी में बनाने वाले हैं आप उसी कटोरी से उसको कट कर लीजिए उसके अंदर डाल दिए हमने अपनी ब्रेड की स्लाइसिस आप चाहें तो यहाँ पे कटोरियों को अंदर से हल्का सा ग्रीस भी कर सकते हैं और अब ना जैसे आपने ब्रेड की स्लाइसेस डाल दी तो उसमें वो सब्जियों की जो स्टफिंग है वो हमें इसके अंदर डालनी है और जैसे ही सब्जी की स्टफिंग डाल दें तो उसके ऊपर से डाल दीजिए ये बेसन का घोल अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप इसके अंदर चीज़ की स्लाइस भी डाल सकते हैं और ये देखिए इस तरीके से जो कटोरी है उसको फुल ऊपर तक नहीं भरिएगा थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ देनी है और हल्का सा टैप करके एक स्टीमर या किसी भी बर्तन में आप उसको पानी गर्म करके ऊपर से जाली लगाइए और इनको स्टीम कर दीजिए दस से बारह मिनट के लिए या तब तक के लिए आप स्टीम कर सकते हैं जब आप इसके अंदर एक टूथपिक डालेंगे ना और वो बिल्कुल क्लीन निकल के आएगी तो इसका मतलब कि आपकी जो पुडिंग है वो बिल्कुल बन रेडी है ये देखिए तो मैंने इसको 10 मिनट के रखा था और फिर इसको हल्का ठंडा किया और एक नाइफ़ से मैंने क्या किया ना कटोरी में इस तरीके से इसको घुमा दिया ताकि जो आ, हमारी जो पुडिंग है जो रेसिपी है वो किनारे छोड़ दे कटोरी के और ये देखिए इस तरीके से घुमाएंगे ना लेकिन ये आपको तभी करना है जब ये आपका डिश थोड़ी सी ठंडी हो जाए गरम गरम में करेंगे तो वो काफ़ी स्टिकी रहेगी और ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ से घुमाया अब एक प्लेट लेंगे और इसको उल्टा कर देंगे हल्का सा टैप करिए और ये देखिए निकल के आ गया और ये देखिए हमारी ब्रेड की इंस्टेंट बिल्कुल हेल्दी रेसिपी बन के रेडी होगी कितनी कलरफुल कितनी बढ़िया इसको आप किसी भी चटनी या जो सॉस होती है उसके साथ सर्व कर सकते हैं किसी भी किटी पार्टी या छोटे मोटे स्नैक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस इसमें हमने एक भी बूंद तेल का यूज़ नहीं किया है आपने देखा होगा और ये देखिए स्टफ़िंग देख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया सी आप चाहें तो जब चीज़ डालेंगे तो एक चीज़ पुलवी इसके अंदर ज़रूर आएगा तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए होप आपको पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग